लव और साहिल बहुत नज़दीक के हैं मेरे शहर के, मतलब बेसिकली हरियाणा, वो यूपी, जाट भाई अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग तरीके से पैसा कमा रहे हैं। अच्छा है, बिजनेस करें, दिल लगाएं उसमें, मेहनत करें। मैं टू बी वेरियर बहुत कम जाता हूँ, बहुत ही कम जगहों पर, बट अच्छा है, मुझे लगता है कि थोड़ी सी एनर्जी आपकी रिफॉर्म होती रहती है ऐसी जगहों पर जाकर। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जाइए, नहीं तो नहीं। राज़ी बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। राज़ी एक बहुत ही यूनिक फिल्म है। पिछले कई सालों में इस तरह की फिल्में थोड़ी सी कम हुई हैं, और मेघना जी ने तलवार बनाई थी, आई रिमेंबर, मैंने एक बार अपने दोस्तों को कहा था कि काश मैं इस फिल्म में होता, तो शायद सुन ली भगवान ने और मैं उनकी अगली फिल्म में हूँ। और बहुत अच्छा रोल है, और जिस तरह की ट्रेलर आपने देखा है, एक पीरियड है, 1971 की कहानी है, और असली कहानी है तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि एक्चुअल में ये कहानी कुछ लोगों के साथ घटित हुई है। तो उसी में एक किरदार है, वो खालिद मीर उसका नाम है, और वो ट्रेनर है टू आलियाज़ कैरेक्टर, एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग टू हर, उसकी सेफ्टी, उसकी ट्रेनिंग, उसकी। सो यह बहुत ही चैलेंजिंग रोल था इन अ वे कि आप कुछ थोड़ा सा एज भी प्ले करते हो, तो वो सब चीज़ें, और ऐसा नहीं कि एज प्ले करने में आपको फिजिकली ऐसा कुछ एज प्ले करनी है, मेंटली आपको एक एज प्ले करनी है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा विद आलिया, मेघना, टू वॉल्केनिक लेडीज, टू बी विद देम एंड टू लर्न, स्पेशली विद मेघना, इट्स लाइक यू नो अपग्रेडेशन ऑफ योर सॉफ्टवेयर एक्टर एज एन एक्टर, तो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। वेल, दे आर फ्रेंड्स ऑफ माई हस्बैंड एंड LSD is just opening tonight and we are here to say congratulations. No, I've just come here for the opening and I hope it's going to be completely opposite the negative sense of everything, so I just hope it's going to be a good time. I just look forward to be with my friends, which I don't get that much of a chance to be with, a good location, a good place and good music. Actually it's a friend's event, so she's invited us, so I'm just here to support her.